रामपुर में सपा नेता आजम खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने आतंकी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर पाने में केंद्र सरकार की विफलता का जिक्र किया है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को दोषी करार दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की पाकिस्तान से बहुत दोस्ती रही है, लेकिन वो मसूद अजहर को पाकिस्तान से भारत नहीं ला पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस शख्स को बीजेपी विशेष विमान से छोड़कर आई थी, उसी के लिए चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया है। 28 सांसदों के टिकट काटने के सवाल पर आजम खान ने कहा कि बीजेपी जैसी पार्टी भी अपने इन नेताओं को हजम नहीं कर पाई। आजम ने कहा कि बीजेपी जैसी पार्टी क्या बोती है, क्या काम करती है, क्या संदेश देती है, कोई समझ नहीं सकता। उन्हें काम करने का मौका ही नहीं मिला, या तो वो ऐसे नारों पर जीत कर आए थे जिनकी कोई मान्यता समाज में नहीं है, या उनके कारनामे ऐसे थे कि भाजपा जैसी पार्टी भी उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देती है, क्या बोती है और क्या उगाती है और क्या काटती है। देखिए, हम विफल तो इसलिए नहीं कह सकते कि मोदी जी आज मैं सामने कंधार से पाकिस्तान विशेष विमान से नवाज शरीफ की बुलाए बिना